सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऑटोमेटिक ट्री फार्म। और हाँ, जो भी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि तूने इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छा क्यों नहीं बोला, तो मैं उनको एकदम प्यारा सा जवाब देना चाहता हूँ। मेरी मर्जी भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लेना देना। देखो मैं कितने ज्यादा प्यारे प्यारे जवाब देता हूँ। लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन मैं कहता हूँ पेड़ काटो। इसलिए मैं ये ऑटोमेटिक ट्री फार्म बनाने वाला। बाकी मैं तब तक तुम लोगों को यहाँ पे जो भी चीज़ें लगने वाली है इस फार्म को बनाने के लिए, वो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। हमको पिस्टन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑब्जर्वर वगैरह वगैरह लगने वाले हैं। और अभी मैं इसे कहाँ पे बनाने वाला हूँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हमारा जो स्टोन फार्म है उसी के बगल में हम इसको बनाने वाले हैं। ये लेके यहाँ पे हमारे होने वाले ऑटोमेटिक फार्म्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत एरिया जो है यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा शाना बन रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये ट्यूटोरियल मैं अभी आपको देने वाला हूँ, ये मैंने कहीं पे भी देख के नहीं बनाया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है गाइस, ये किसी के बाद देख के मैंने नहीं बनाया है। और अभी आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे चार पिस्टन लगा देने हैं कुछ यू करके। और अभी रात हो रही है तो मैं सो के आता हूँ। बाकी यहाँ पे तुम लोगों को एक डिस्पेंसर लगा देना है, और उसके पीछे हमको लगा देना है एक हॉपर। और अभी यहाँ पे हॉपर के ऊपर, जस्ट ऊपर हमारे आएगा चेस्ट, जहाँ पे कि हम बोन मील वगैरह डालेंगे। और यहाँ पे आपको एक क्लॉक लगा देनी है, और इसे चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग है या फिर नहीं। इसके अंदर हम कुछ डाल देते हैं लाइक कोबल स्टोन, देख सकते हो गाइस ये फुल्ली वर्किंग है। यहाँ पे ये छोड़ रहा है, पाद मार रहा है कोबल स्टोन से, तो ये अभी वर्किंग है। और इसके ऊपर हमको दो ब्लॉक लगा देने हैं। फिर से रात हो रही है, यहाँ पे हमको ऑब्जर्वर लगा देना है। फिर अभी हमको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सा बनाना है, मतलब प्लेटफॉर्म ही बनाना है। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सा बना ही देना है। और यहाँ पे हमको लगाने हैं रिपीटर्स, और यहाँ पे रेस्टोन की क्लॉक टाइप हमको बनानी है। पता नहीं क्या बनानी है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ बनाना है हमको। यहाँ पे एक और रिपीटर लगने वाला है, एक मिनट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। कूद के लगाओ क्या गाइस, इसको कूद के लगाना पड़ेगा आई गेस। ओके, लग चुका है। और अभी यहाँ पे हमको प्लेटफॉर्म बनाना है, फिर से पता नहीं कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। और अभी हमको यहाँ पे रेस्टोन की चीज़ें कुछ लगानी है, लाइक रेस्टोन लगाने हैं। तो अभी हमको यहाँ पे दो ब्लॉक ऊपर लेके जाना है इसको, और एक मिनट कहाँ से लेके जाना है भाई, ओके यहाँ से। और इसको जैसे रेस्टोन को मुझे ऊपर तक लेके जाना है, तो ये मैं फटाफट से कर लेता हूँ अभी। और इसको मुझे यहाँ पे पिस्टन के ऊपर लगा दे, और इसी चीज़ को मुझे यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देना है, और इन दो ब्लॉक्स को तोड़ देना है, लाइक ये कुछ काम के नहीं है। और अभी हमको यहाँ पे फिर से इसको यहाँ से ऐसे करना है, लाइक तुम लोग यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देना है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पिस्टन आएंगे। सो ये बारिश क्यों हो रही है गाइस, पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन यहाँ पे हमको यहाँ पे एक और लगा देना है, और इसको दो ब्लॉक की हाइट देनी है। तो सबसे पहले हम इसको दो ब्लॉक की हाइट दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो पिस्टन्स आने वाले हैं, और यही हमारे जो ट्री है उसको पुश करने वाले हैं शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी मैं यहाँ पे फटाफट से पिस्टन लगा देता हूँ, लाइक डाउन डाउन टू अर्थ नहीं लगाने हैं हमको, ऐसे स्ट्रेट लगाने हैं। स्ट्रेट मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये क्या है ये क्या है, ओ भाई बच्चा आ गया बच्चा आ गया बच्चा आ गया, इसका बच्चा आ गया। भाग 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 भाग, डरता नहीं गया इसमें, डरता वरता नहीं भाई मैं किसी से, वो आ गया था अचानक से ना, हाँ आ गया था। चलो गाइस इसे बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे हमको ऐसे कुछ पिस्टन लगाने हैं। मेरी तरफ देखो भाई, मैं कितना ज़्यादा सुंदर लगता हूँ, वो देखो ये फिर से डाउन टू अर्थ चला गया भाई। ऐसे मत बनो यार तुम, मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट लगो। ये फिर से देखो, ये क्या कर रहे हो तुम भाई, और अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया। ओके गाइस कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने, अभी हम यहाँ पे रेस्टोरेंट सिग्नल ये कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं लेकिन ये कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट रिपीटर आएगा, क्योंकि आगे तक हमारा रेस्टोरेंट नहीं जाने वाला सिग्नल, तो इसे हमको कनेक्ट कर देना है इन मतलब इन पिस्टन तक। और ये जो ब्लॉक है ये टेम्प्ररी थे, इसे तुम हटा सकते हो अभी, और इस ब्लॉक को भी हटा दो। यहाँ पे हमारे आएंगे रेडस्टोन डस्ट, सो इसे हमको पूरा का पूरा कनेक्ट कर देना है। ये हो चुका है गाइज, अभी हमको यहाँ पे लाने हैं बोन मिल और सैपलिंग। सो ये मैं फटाफट से लेके आता हूँ, सबसे पहले इसे तोड़ देता हूँ, ये कुछ भी काम के नहीं है। सो ये और अभी मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ सैपलिंग्स भी, और थोड़े बहुत बोन मिल्स भी। तो बोन मिल हमको इस चेस्ट में डाल देना है, ये इस डिस्पेंसर में आएंगे, और जैसे मैं यहाँ पे लीवर ऑन करूँगा ये आने शुरू हो जाएंगे बोन मिल। और यहाँ पे हम गड्ढे में, गड्ढा हो गया रे, इसको मैं ना फिल कर देता हूँ, हमको एक ब्लॉक का ही चाहिए। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, फ्लिक कर देता हूँ रीलो को, और यहाँ पे हमारी सैपलिंग ग्रो होने वाली है, ये जल्दी ग्रो हो जाएगी गाइज, बस कुछ 10 घंटे में। गाइज यहाँ पे मेरे बोन मिल ख़त्म हो चुके हैं, और अभी मुझे फिर से यहाँ पे बोन मिल भरने पड़ेंगे, बिकॉज़ ये ग्रो ही नहीं हो रहा है, पता नहीं मुझे क्यों।
और देखते हैं कब तक ये ग्रो होता है, पता नहीं कितने घंटे लगाएगा ये, सो वेट करते हैं हम। ओके गाइस, फाइनली 10,000 ईयर्स बाद ये ग्रो हो चुका है और इतनी खुशी हो रही है मुझे। ये फार्म बहुत ही ज़्यादा मस्त वर्क करता है, लाइक देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे, इतनी जल्दी जल्दी।